नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजन अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की नवमी अपने आप में काफ़ी खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन माता सिद्धरात्रि के साथ साथ भगवान श्री रामचंद्र जी की पूजा भी की जाती है। चैत्र नवरात्रि की नवमी ही वो दिन है जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। इसी कारण से चैत्र नवरात्रि की नवमी को भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में इस बात को कहा गया है कि चैत्र नवरात्रि की नवमी अपने आप में बहुत ही खास होती है। अगर इस दिन व्यक्ति अपनी राशि अनुसार उपाय करता है, तब ऐसा करने से उस व्यक्ति को अपने जीवन में कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अपनी आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार राम नवमी वाले दिन मकर राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग मकर राशि के जातक हैं और इस बात को चाहते हैं कि राम नवमी के दिन आप लोगों को भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और आप लोगों के ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा बरसे, तब इसके लिए आप लोगों को राम नवमी के दिन राम रक्षा स्रोत का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, राम रक्षा स्रोत का पाठ अपने आप में बहुत ही दिव्य और चमत्कारिक माना जाता है। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा बनी रहती है। साथ ही साथ आप लोगों को नवरात्रि के नवमी के दिन कच्चे दूध में तुलसी डाल करके भगवान श्री रामचंद्र जी को समर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, रामनवमी के दिन इन उपायों को करने से आप लोग अपने जीवन में कई तरह की खुशियों को आकर्षित कर सकते हैं।